गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेकेंड चैप्टर में हम आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, सेकेंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अबाउट मिक्सचर्स, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, जिसमें होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस पढ़ा था, करेक्ट। नाउ आगे हम पढ़ते हैं व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, मिक्सचर सॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द फॉर्म ऑफ मिक्सचर। ओके, तो व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो सिंपली है, जब दो चीज़ों को मिलाया जाता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, हम सॉल्यूशन बोलते हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज। सो ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ओके, सो नाउ सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, लेमनॉइड जिसे लेमन इन वाटर, या फिर एलॉयज, इवन एलॉयज आर सॉल्यूशन। ओके, जैसा हमने बात किया था लास्ट टाइम, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। नाउ वी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। वॉट एग्जैक्टली मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना होता है कि देखो सॉल्यूशन दो पार्ट से बनता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड सॉल्वेंट वो जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, करेक्ट। लाइक जैसे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, व्हेन शुगर इज डिसॉल्व इन वाटर, शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, ओके, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन वी हैड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हमने पढ़ा था अबाउट सैचुरेटेड, थोड़ा सा समझा था कि व्हाट हैपेंस इन सैचुरेशन सॉल्यूशन। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले हम एट ए टेम्परेचर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाते हैं, एंड कम्स ए पॉइंट व्हेन नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। ठीक है, देन वी रेज टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन अ बिट हायर, और उसे फिर हमने और सॉल्यूट को ऐड किया और हमने पाया कि ये डिसॉल्व हो गया। ठीक है, सो सच सॉल्यूशन आर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एंड सैचुरेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसका एग्जांपल चाशनी जो बनती है, ठीक है, गुलाब जामुन या फिर जिलेबी के लिए, तो ये दैट इज नथिंग बट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इस तरीके से डिफाइन किया गया, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है कितने सॉल्यूशन में, यहाँ पे वर्ड मार्क करना सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट। ओके, सो ये हम कैसे निकालते हैं, बाय देर आर वेरियस मेथड, पर यहाँ पे हम दो मेथड देखेंगे। ठीक है, दैट इज वन मास बाय मास, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज हमने निकाला। नेक्स्ट में निकालेंगे मास बाय वॉल्यूम, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एंड थर्ड विल बी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके ओके, अब इसके बाद एग्जांपल्स है। ठीक है, एक एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, बेस्ड ऑन द फॉर्मूला आप देखिए, और सिंपल सा है। ठीक है, तो हमने देखा मिक्सचर का वन ऑफ द फॉर्म अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ अनदर फॉर्म ऑफ मिक्सचर इज सस्पेंशन, एंड द नेक्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड कोलोइडल सॉल्यूशन। सो व्हाट इज सस्पेंशन, पहले एग्जांपल दे देते हैं सस्पेंशन का। जैसे चॉक पाउडर ले लो और पानी में मिला लो, या फिर आटा ले लो पानी में मिला लो, व्हाट आर दिस, दीज आर नथिंग बट सस्पेंशन। ठीक है, सो सस्पेंशन मतलब क्या है, ए नॉन होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड।
आर कॉल्ड सस्पेंशन. सॉलिड्स आर डिस्पर्स, डिस्पर्स यानी बिखरे हुए इन लिक्विड. सो ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके, इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम. ठीक है, वो हमेशा सस्पेंडेड हैं, उसमें प्रेजेंट हैं, डिजॉल्व नहीं हुए वो, ओके, सॉल्वेंट के साथ में पूरा मिक्स नहीं हुए. प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन देखिए, सो जैसा हमने पढ़ा, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर. पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आईज, ओके. पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल. ये समझिए, अब वो पार्टिकल इतने बड़े होते हैं इनफ कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं. तो जब वेन एवर ए बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू सस्पेंशन, हम उसका पाथ एग्जैक्टली देख सकते हैं थ्रू द सस्पेंशन, ओके. तो यही है, आप सॉल्यूशन में जब देखने का ट्राई करोगे तो लाइट सेकेंड एंड पे तो आएगी तो, लेकिन उसका पाथ नहीं दिखेगा, ओके. सो यहाँ पे दिख रहा है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके. व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड तो क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे पार्टिकल्स, ओके. सो सच दैट मीन्स सस्पेंशन इज अनस्टेबल एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम सस्पेंशन को निकाल सकते हैं, ओके. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मिक्सचर इज ए कोलोइडल सॉल्यूशन. ठीक है, अब कोलोइडल सॉल्यूशन इज ऑल्सो सेम लाइक सस्पेंशन, बट यहाँ पे पार्टिकल्स को बहुत छोटा कर दो. ठीक है, इतना छोटा कि ना वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाएगा, ना नॉर्मल ना हमारे आँखों से दिख सकता है, और ना नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से वो निकलेगा. तो इसका एग्जांपल इज मिल्क, ओके. मिल्क इज़ नॉट ए होमोजेनियस सॉल्यूशन, मिल्क इज ऑल्सो ए हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन. ठीक है, जिसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके. सो दे रिफ्लेक्ट बी दे डू नॉट रिफ्लेक्ट बीम ऑफ लाइट बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, ओके. सो टिंडर एंड दिस इज कॉल्ड एज, सॉरी आई सेड नहीं दिखते, बट यस लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, ओके. दे वी कैनॉट सी देम बट दिस पार्टिकल कैन स्कैटर लाइट्स. सो एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट, ओके. टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स रूम थ्रू ए स्मॉल होल. जब आप देखते हो स्मॉल होल से घरों में कभी लाइट छन के आ रही होती है, तो जो पार्टिकल्स हमें दिखते हैं और वो पास दिखता है लाइट का, दैट इज नथिंग बट ए टिंडल इफेक्ट, ओके. एंड दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एयर बिकॉज ऑफ डस्ट पार्टिकल, ओके. सो टिंडल इफेक्ट और कहाँ कहाँ दिख सकता है, जब डेंस फॉग होगा, ठीक है, जब सुबह उसकी सनराइज होगी, तो इन सब टाइम पे हमें दिख रहा होगा टिंडल इफेक्ट. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन देखिए, इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर. पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेकेड आईज बट दे आर बिग इनफ टू स्कैटर द लाइट एंड मेक द पाथ विजिबल. दे डू नॉट सेटल डाउन, ओके, व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब. सो कोलोइडल इज क्वाइट स्टेबल. दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर by the process of filtration, okay. They cannot be separated by the simple process of filtration but by the process known as centrifugation, okay. अब नीचे टेबल में देखिए कि वेरियस एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. दिस मैं टेबल एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग देखिएगा. डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस यानी सॉल्यूट जो होगा वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सॉलिड लिक्विड या गैस. डिस्पर्सिंग मीडियम, जिस मीडियम में है वो कौन सा मीडियम है, गैस होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड. और फिर जो हम उसको नेम देते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिस्पर्स्ड फेस, ओके, और उनके एग्जांपल्स.
तो देखिएगा, एक जनरल आइडिया अपने दिमाग में रखिएगा क्या होता है, जैसे चीज़, बटर एंड जेली, ठीक है। सो ये सब क्या है एग्जैक्टली? कोलोडियर है, ना कि सॉल्यूशन या सस्पेंशन। ओके चलो, एक बार टेबल अच्छे से देखिएगा आप लोग, एंड वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके चलो, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।